सो हाय एवरीवन, आज है 25th फेब और आज है विक्रम जी का बर्थडे, यानी कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो हम लोग कल रात से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। रीज़न जो इसका है ना, वो यही है कि हम लोग ना इंजॉय बहुत ज़्यादा किया जब सब लोग इकट्ठे हो गए ना। फिर हम लोगों ने म्यूज़िक वगैरह लगा के, गाने वगैरह लगा के डांस वांस किया, खाया पिया। तो मैं आपको जितना हो सकेगा उसको शेयर करूंगी। और आप भी जो है, हम लोग मेरी भाई बहन और दोनों दीदियां मेरी, सबको, सब लोग, हम लोग सुबह, मतलब रात को 3 बजे सोए हैं और सुबह उठे हैं हम लोग 10 बजे, 9-10 बजे। फिर उसका चाय नाश्ता किया और घर की थोड़ी साफ सफाई की, क्योंकि सब कुछ मैसी हो गया था। सबने इतना मस्ती की, इतना इंजॉय किया। और फिर सब कुछ करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे और मंदिर के बाद फिर मैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी बुआजी, मतलब हमारी बुआजी के घर जाएंगे, तो वहाँ भी जाएंगे हम लोग। तो चलिए अब मैं देखती हूँ, ये व्लॉग आई थिंक लंबा होता जा रहा है। अगर लंबा हो रहा है तो मैं इसके 2 पार्ट करूंगी, अगर छोटा रहा तो 1 ही पार्ट में दिखा दूंगी। और जितना हो सकेगा उतना ज्यादा मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी रील्स भी हमने कल बनाई थी, कल मतलब एकदम फैमिली वाली, एकदम फैमिली साथ में मिलकर जो करती है धमाल मस्ती करती, वो किया हम लोगों ने। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, जैसा मैं करना चाहती थी मैं वैसा कर पाई हूँ। और अभी मंडर पास जा रहे हैं तो अंधेरा अंधेरा हो गया है। तो अभी हम लोग काफी, अभी इस टाइम 3 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी मॉल, क्योंकि कुछ चीजें हमें खरीदनी है, तो वो सब करेंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे बाहर, और फिर हम मंदिर जाएंगे, मंदिर से वापस घर आ जाएंगे पहुंचेंगे। और ये मेरे हस्बैंड, अभी हम लोग निकल रहे हैं दूसरे मॉल में, क्योंकि जो हम लोग स्टोर देख रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे था नहीं, बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये सब था, और थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन हवा भी चल रही है बाहर, तो लेकिन सही है। तो चलते हैं फिर, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आपको फिर हम लोग चलते हैं, और चलकर फिर हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं। How much? 30 rupees. Rubles. अभी हम आ गए हैं दूसरे वाले मॉल में, जो कि हमारे घर के पास ही है। दोनों ही मॉल पास है, बस थोड़ा थोड़ा दूर है। तो अब देखते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए, जो चीज़ें हमको चाहिए वो यहाँ पे मिलती हैं या नहीं, क्योंकि कुछ शॉपिंग करनी है हमको, तो वो वहाँ तो नहीं मिला वो स्टोर, तो हमको यहाँ पे आना पड़ा है।
गाइस, तो अभी जो है हमारी शॉपिंग हो गई है. हमने कुछ कुछ अपने लिए कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हमको चाहिए थी वो हमने ले लिए, और मॉल से हम लोग निकल चुके हैं. कुछ खाया पिया हम लोगों ने, मतलब आपस में हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया अभी इस टाइम. और अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ जी के घर, नहीं सॉरी, अभी हम लोग जाएंगे मंदिर, मंदिर के बाद हम लोग जाएंगे बुआ जी के घर. तो अभी यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन इतना ट्रैफिक हो गया इस टाइम, ये वाला जो टाइमिंग है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है. ये है बर्थडे बॉय, जो कि आज एग्जॉस्ट कर दिया मैंने, इनको थका दिया है पूरी तरह से. तो अभी हम लोग मंदिर चलेंगे, मेरी बिंदी भी छूट गई है. तो मंदिर जाके भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि ये तो हमेशा का है कि बर्थडे है तो मंदिर जाना ही जाना है. बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैंने आज बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. और इनका पता नहीं आपने किया इन्जॉय, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मस्ती की है, मतलब मैं जो चाहती थी वो सब हुआ बर्थडे पर जैसे मैंने चाहा था. तो अभी हम लोग मंदिर चलते हैं और मंदिर में आपको भी दर्शन करा देंगे अगर पॉसिबल हुआ, और मंदिर के बाद फिर हम लोग. थैंक यू सो मच, मेरा बर्थडे इतना अच्छा प्लान करने के लिए. इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, बस बहुत अच्छा प्लान किया आपने मेरा बर्थडे, मुझे बहुत अच्छा लगा. चलो बस आपकी खुशी चाहिए थी. तो अभी चलते हैं मंदिर, सबको लेके जाएंगे साथ में मंदिर, और फिर मंदिर के बाद बुआ जी के घर भी केक कटिंग होगी एक और, जो कि आज होगी रात में. तो उसके बाद भी हम सभी को मैंने साईं बाबा जी के दर्शन किए कराए हैं. जोर जोर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शायद यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से आपको आवाज़ भी ना आए. और अभी देखो इस टाइम बिल्कुल भी इतना शोर, मतलब इतना भीड़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो इतना बुरा हाल था कि हमको पार्किंग नहीं मिल रही थी. हम लोगों ने अपनी गाड़ी बहुत आगे जाके पार्क की है, वो भी किसी की शॉप के आगे पार्क की है, उससे परमिशन लेके कि हमको 10 मिनट के लिए पार्क करनी है क्योंकि हमको मंदिर जाना है. और अचानक ही ना दिल्ली का मौसम बिगड़ रहा है, आंधी तूफान इतनी तेज, और रिमझिम रिमझिम बूंदे गिर रही है, पर तेज बहुत तेज हवा चल रही है. तो बहुत तेज हवा चल रही है एस. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ जी घर पे, फिर वहां से घर जाएंगे. तो आप सबको लेकर चलती हूँ अपने साथ. तो अभी फाइनली हम लोग गाड़ी में आ गए और जा रहे हैं घर की तरफ, बुआ जी घर की तरफ. बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा. यहाँ पे एक और मंदिर है, और अभी मैं आ गई हूँ हमारी बुआ जी के घर. और बुआ जी के घर अभी बुआ जी जो है, बुआ जी की मीटिंग चल रही है अंदर, बाकी सब लोगों की मैंने ट्रांसफर कर ली. और आप देख सकते हैं मेरे जो कपड़े वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, ये मेरी बुआ सास का घर है, उनका ससुराल है ये. तो और अभी हम लोग यहाँ पे सब, मेरी काजू कमल दीदी ना, मेरी दोनों सिस्टर लोग भी यहीं पे हैं, सब लोग यहाँ पे साथ में खाना पीना खाएंगे और केक कट करेंगे.
सकते हो, मैं आपको वो सब दिखाने की कोशिश करूंगी जितना दिखा पाऊंगी, बिकॉज पता नहीं मैं इतना शूट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। तो चलिए, और मैं आपको मेरी बुआ जी, जान ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, पगलू बे पगलू, ओ मेरा पगलू, पगलू बे पगलू, चिटकू बे चिटकू, ओ मेला चिटकू। तो अभी हमारी चाय बन रही है और खाना भी हमारा तैयार है, केक हम कट करेंगे, छोटी भी तैयार है, दीदी भी तैयार है, एक बच्चा भी तैयार है, वो वहाँ रोना देखो। और ये है बर्थडे बॉय, जिसको बहुत तेज भूख लगी है, कुछ ना कुछ इधर उधर से चुन चुन के खाए जा रहे हैं। बेटू मेरा बेटू, चिकलू बे चिकलू, ओ मेरा चिकलू, चिकलू बे चिकलू, चिकलू चिकलू मेरा चिकलू, ओ मेरा चिकलू, ओ मेरा चिकलू, हाँ ओ मेरी जान, ओ मेरा बेटू। आ चलो जल्दी जल्दी, लो चलो चलो। अच्छे मत करना, ये मेरी सबसे छोटी ननद है, सबसे छोटी ननद, सबसे चुटकी, सबसे छोटी मेरी ननद, मैं बेटू की भाभी हूँ। और इसके बेटू को ना अपने भाभी की चूड़ियों से बहुत प्यार है, देखो देखो देखो, अले मेरा बेटू, अले मेरा बेटू। नहीं चाय बना के तैयार की है, चाय बना के तैयार की है दीदी ने, बहू लेके जा रही है, अपना सारा ले लेगी दाम क्रेडिट। अभी देखो बात कर, तुम चाप नहीं खाते ना, क्या मंगवा रही हो? अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी मतलब हमने बर्थडे का सेलिब्रेशन रात के 12 बजे से शुरू होता है, वहां से शुरू किया, पूरा रात पूरा दिन किया और अब 11:30 के करीब हो रहा है टाइम। तो हम लोग जस्ट घर पे आए हैं, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा ये भी थक गए हैं। तो अब हम लोग बस जा चेंज वेंज करके हाथ मुंह धो के आराम करेंगे, सोएंगे और कल से फिर अपने वापस उसी रूटीन पे आ जाएंगे जो रूटीन हमारा चलता आ रहा है लाइफ में। और आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना और मेरे हस्बैंड को बर्थडे की बहुत सारी विशेस देना, उनके लिए बस प्रे करना कि वो अपने ड्रीम्स सारे अचीव कर ले, जल्दी जल्दी कर ले और हमेशा खुश रहे, हेल्दी रहे, यही आप उनके लिए प्रे कीजिएगा। और प्लीज देखो ये मेरे पीछे पीछे मुझे याद दिलाते थे, मुझे ये बोलना है वो बोलना है। फेसबुक पेज लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको मेरे हस्बैंड का भी यूट्यूब चैनल देखने को मिले, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा बहुत जल्दी ही। तो जो भी सजेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए घर में कुछ डेकोरेशन की थी मैंने, ये सब मैंने आपको दिखाया था तो काफी हद तक हट गई, लेकिन काफी कुछ चीजें हैं जो कि अभी तक ऐसी ही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई वीडियो में, या फिर
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ना मैं बाहर घूमने गई थी, तो मैंने कुछ और पहन रखा था। फिर मैंने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे घर की मेरी दादी मेरे दादाजी भी थे, तो इस हिसाब से मैंने कपड़े चेंज किए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या सूट पहना था। ये वाला मैंने, ये मेरा जो ये जो सूट है ना, ये मेरी शादी का है, जो कि इन लॉज की तरफ से आता है ना, वो सूट है। तो मैंने इसको सिलाया। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और हम शादी के बाद जो है वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक मोटी हो गई हूँ मैं। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।